हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ज्ञान। सो गाइस, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे हो, स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है एंड डेली बेसिस पे आप लोग अपना रिवीजन करते जा रहे हो जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। एंड आई होप आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। सो गाइज, अब अगर टॉपिक की बात की जाए तो पिछले लेक्चर में हमने कॉर्डेटा स्टार्ट कर दिया था। कॉर्डेट्स में आज हम अबाउट क्रेनिएटा या फिर यू कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यू कॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो दीज एनिमल्स आर नोन एज हायर कॉर्डेट्स। क्या बोला जाता है इन्हें? दीज आर नोन एज हायर कॉर्डेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली डेवलप्ड कैरेक्टर। इनके अंदर हाईली डेवलप्ड कैरेक्टर्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो हाईली एडवांस कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए इन्हें हायर कॉर्डेट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज कैरेक्टर्स इंक्लूड्स प्रोमिनियंट हेड, वर्टिब्रल कॉलम, जॉज एंड क्रेनियम। ठीक है, चार बेसिक मेजर कैरेक्टर्स आते हैं यहाँ पे जो कि इन्हें एडवांस बनाते हैं, हायर कॉर्डेट बनाते हैं। नंबर वन, प्रोमिनियंट हेड, देन आपके पास आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, आफ्टर दैट जॉज एंड देन क्रेनियम। ठीक है, ओनली वन सब फाइलम इज इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। केवल एक सब फाइलम यहाँ पे इंक्लूडेड है, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नाम का एक सब फाइलम अंडर यूकॉर्डेट्स इंक्लूडेड है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाए तो इन दीज एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली और पार्शली रिड्यूस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है कंप्लीटली या फिर पार्शली रिड्यूस होती है। किसके थ्रू रिड्यूस होती है, रिप्लेस होती है? बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस, दैट इज नोन एज क्रेनियम। ठीक है, नर्व कॉर्ड्स रिमेन एनक्लोज्ड विद इन दी वर्टिब्रल कॉलम। अब सब फाइलम जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रेटा है, इसके भी फर्दर दो डिविजन्स हैं। वो कौन कौन से डिवीजन है? नंबर वन एगेनाथा एंड नंबर टू गिनेथोस्टोम्स। नाउ एगेनाथा का मतलब क्या है? देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हुआ एब्सेंट। क्या मतलब हुआ ए का? ए का मतलब है यहां पे एब्सेंट। एंड गिनेथा का मतलब क्या है? जॉज। तो ए गिनेथा के अंदर ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जिनके अंदर जॉज एब्सेंट होंगे। वहीं गिनेथोस्टोम्स की अगर बात की जाए तो यहां पे जॉज प्रेजेंट होंगे या फिर ट्रू जॉ होंगे। ठीक है, नोटोकॉर्ड की अगर बात की जाए तो नोटोकॉर्ड ए गिनेथा के केस में परसिस्ट करेगी बाय कार्टिलेजिनस एंड वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड। यहां पे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। थर्ड केस में ओनली वन नॉस्ट्रल फाउंड और गिनेथोस्टोम्स में पेयर्ड नॉस्ट्रल्स होंगे। एगेनाथा में दो सेमी सर्कुलर कैनाल होंगी जबकि गिनेथोस्टोम्स में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी, दैट कैन बी फाउंड इन ईयर, इनसाइड दी ईयर, ईयर के अंदर फाउंड होती हैं दोनों ही केस में। एगेनाथा के अंदर पीनियल आई मिलती है जबकि गिनेथोस्टोम्स के अंदर पीनियल आई एब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंसिएशन पॉइंट्स थे बिटवीन एगेनाथा एंड गिनेथोस्टोम्स। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ ग्रुप एगेनाथा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। अब ग्रुप एगेनाथा की बात की जाए तो फर्दर दो क्लासेस आपके पास आ जाती हैं, ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राकोडर्मी की अगर बात की जाए तो देखो ऑस्ट्राकोडर्मी में जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर एक्सटिंक्ट। कैसे हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। ओके, दीज वर दी फ्रेश वाटर फिशेज विच वर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। तो ऑस्ट्राकोडर्मी के जो एनिमल्स हैं उन्हें हम फर्स्ट वर्टिब्रेट कह सकते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। Their body was covered by a protective covering made up of hard scales. तो ऑस्ट्राकोडर्मी के अंदर हार्ड स्केल्स पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल है सिफेलेप्सिस, प्रिमिटिव वर्टिब्रे ऑफ ओर्डोवीशियन पीरियड. एग्जाम्पल आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा ग्रुप है ये ओस्ट्राकोडर्मी. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोस्टोमटा. साइक्लोस्टोमटा की अगर बात की जाए तो दीज फिशेज आर पैरासिटिक एज वेल एज स्केवेंजर्स. तो ये पैरासिटिक भी होती हैं, जो फिशेज यहाँ पे इंक्लूडेड हैं वो स्केवेंजर्स भी होती हैं. इस क्लास के अंदर, साइक्लोस्टोमटा के अंदर, जॉलेस फिशेज इंक्लूड होती हैं. बॉडी थिन होती है, टिब्युलर होती है एंड टेल इज फ्लैट. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टेल कैसी होती है, फ्लैट होती है. स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, स्केल लेस होती है. कैसी होती है, स्केल लेस होती है. जबकि यहां पे आपने देखा था ओस्ट्राकोडर्मी के अंदर यहां पे हार्ड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, गिल क्लेफ्ट्स की अगर बात की जाए तो 6 to 15 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इज विदाउट स्टमक. डाइजेस्टिव सिस्टम के पास स्टमक नहीं होता एंड इंटेस्टाइन के पास स्पाइरल टिफ्लोसोल होता है. एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यहां पे साइक्लोस्टोम्स के केस में इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल का शेप क्या होता है, तो शेप क्या होता है, स्पाइरल शेप. नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं यहां पे. बोन्स आर एब्सेंट, और बोन्स कैसी होती हैं, बोन्स एब्सेंट होती है. हार्ट इज टू चैम्बर्ड, यानी कि अगर हार्ट टू चैम्बर्ड है यहां पे तो कैसा हार्ट होगा वो, दैट इज नोन एज वीनस हार्ट. किडनीज में प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी प्रेजेंट होती है यहां पे. डॉर्सल मीडिया एंड टेल फिन इज प्रेजेंट. डॉर्सल मीडियम या फिर टेल फिन यहां पे प्रेजेंट होती है. एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड लार्वल स्टेज इज एब्सेंट. एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है. एंड लार्वल स्टेज यहां पे एब्सेंट होती है. लार्वा केवल और केवल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोमाइसोन में पाया जाता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और लार्वा कैसा होता है, यहां पे एमनोसिएट टाइप का लार्वा होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोमाइसोन. पेट्रोमाइसोन क्या है, ये एक साइक्लोस्टोमट है. एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमटा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस क्लासेस आर मराइन. ज्यादातर मेंबर्स जो हैं यहां पे मराइन हैं, बट माइग्रेट फॉर स्वैपनिंग टू फ्रेश वाटर. लेकिन स्वैपनिंग के लिए वो फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं. ओके, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहां पे तो एग्जाम्पल आपके पास दो आ जाते हैं, पेट्रोमाइसोन एंड मिक्सिन. पेट्रोमाइसोन को आप हैगफिश भी बोलते हो, याद रख, सॉरी, पेट्रोमाइसोन को आप लैम्प्रे भी बोलते हो. ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो होता है वो लैम्प्रे से पूछा जाता है, इसलिए याद रखना लैम्प्रे को पेट्रोमाइसोन भी बोलते हो. इट इज अ लिविंग फॉसिल. क्या है ये, लिविंग फॉसिल है. इट इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिशेस. ये कैसा है, एक्टोपैरासाइट है ट्रू फिशेस पे. एंड ये जो होता है ब्लड सकिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. कैसा काम करता है, ब्लड सकर. ठीक है, लार्वा एमनोसिएट इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमटा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, लार्वा जो है एमनोसिएट टाइप का, दैट इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, बिटवीन सिफेलोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिक्सिन या फिर हैगफिश. मिक्सिन को आप हैगफिश के नाम से भी जानते हो. नाउ फर्दर अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन चार्ट, गिनेथोस्टोम्स को फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. नंबर वन पाइसिस, जिसके अंदर आप फिशेस के बारे में देखोगे, एंड देन टेट्रापोडा. टेट्रापोडा के अंदर आपके पास चार फर्दर ग्रुप्स आ जाएंगे, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. ठीक है, तो एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या देखा. सबसे पहले आपने देखा यू कॉर्डेटा जो है वो हायर कॉर्डेट्स हैं. क्यों हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लाइक प्रोमिनियंट हेड, वर्टिब्रल कॉलम, जॉज एंड क्रेनियम. केवल और केवल यहाँ पे एक सब फाइलम इंक्लूडेड है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रेटा. फिर आपने वर्टिब्रेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जिसके अंदर आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे जो हेड होता है दैट इज कवर्ड बाय अ
प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज क्रेनियम. फिर आपने देखा सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोम्स. जो मेजर पॉइंट है एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोम्स का वो क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉस. ठीक है, फिर आपने इसके बीच में कुछ पॉइंट्स देखे डिफ्रेंसिएशन के. देन आपने देखा ग्रुप एगिनेथा को भी दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमटा. ऑस्ट्राकोडर्मी में ज्यादातर मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है. एंड एग्जाम्पल देख लिया फिर आपने. एंड यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे स्केल्स एबसेंट होते हैं, सॉरी प्रेजेंट होते हैं हार्ड स्केल्स. साइक्लोस्टोम्स के अंदर आपने देखा जॉलेस फिशेज हैं, पैरासिटिक एज वेल एज स्केवेंजर्स हैं, 6 to 15 गिल क्लिफ्स प्रेजेंट हैं. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि ये स्केललेस हैं, जबकि ऑस्ट्राकोडर्मी जो थे वो स्केल के साथ थे, मतलब स्केल प्रेजेंट थे वहां पे, साइक्लोस्टोम्स के अंदर स्केल एबसेंट है. फिर आपने देखा टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, दैट इज इन स्पाइरल शेप. बोन्स एबसेंट होती हैं, हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, दैट इज नोन एज वेनस हार्ट. किडनीज प्रोटोनेफ्रिक या फिर मेसोनेफ्रिक टाइप होती हैं. फिर आपने देख लिया इंपॉर्टेंट लावा है यहाँ पे, एमनोसिएट लावा जो होता है दैट इज फाउंड ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोमाइजोन. ठीक है, फिर आपने देखा एग्जाम्पल्स देख लिया पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे एंड दूसरा मिग्जीन और हैकफिश. अब गिनेथोस्टोम्स को फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा, जो हम अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नाउ आई होप आपको आज का लेक्चर अबाउट यूकार्डेट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो, क्वेरी है मेल करो, कॉन्टेक्ट करो. एवरीथिंग इज गिवन यू ऑन दी स्क्रीन्स. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.